नमस्कार, बोल के लिए आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। किसी ने सोशल मीडिया में मजाक से लिखा है कि 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी को वॉकओवर दे देना चाहिए, यानी कि बीजेपी से कहना चाहिए कि आप चुनाव वगैरह मत करवाइए, आप खुद को विजेता घोषित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को पता चल जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनावों में हम जीत रहे हैं, तो कम से कम वो ऐसी नफरती राजनीति करना छोड़ देगी, वो गरीबों, मजलूमों, माइनॉरिटीज के ऊपर बुलडोजर चलाना बंद कर देगी। जब सत्ता की ताकत के सामने सवाल कमजोर पड़ जाए तो आवाज बुलंद करनी पड़ती है। बोल किलब आजाद है तेरे, न्यूज क्लिक पर मेरे साथ। खैर, ये तो मजाक हुआ, मगर आज मैं आपको बतलाने वाला हूं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह का खतरनाक खेल खेल रही है। और बात यही नहीं है, मैं आपको यह भी बतलाने वाला हूं कि कल जिस तरह से जहांगीरपुरी में बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया, उसमें न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कंटेम्प्ट था, अदालत की अवमानना थी, संविधान की धज्जियां उड़ाई गई दोस्तों, नंबर एक। नंबर तीन, जो कानून है इस तरह से अवैध निर्माणों को हटाने वाले, उसकी भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। और आज मैं आपके सामने बीजेपी की पोल खोलने वाला हूं, मगर सबसे पहले मैं चाहूंगा आप इस खबर को देखिए जो इंडियन एक्सप्रेस में आई है। शाह होल्ड्स मीट विद दिल्ली बीजेपी, पांडा साइट्स इमिग्रेंट्स इन यूरोप। यह खबर क्या, मैं आपको बताता हूं। अमित शाह की दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ बैठक हुई और उस बैठक के बाद बैजंत पांडा, ये भाजपा का नेता, इसने एक बहुत ही खतरनाक बात कही है। इसने कहा है कि यूरोप में ऐसे कई हिस्से हैं, मसलन स्वीडन, जर्मनी, जहां पर दूसरे देश के नागरिकों को उनकी सरकारों ने बसाया है, और जिन जगहों पर इनको बसाया गया है वहां पर किसी का भी घुसना नामुमकिन है, उन्होंने अपने कानून वहां पर बना दिए हैं। इसकी तुलना वो कर रहे हैं जहांगीरपुरी से। वो कह रहे हैं इसलिए समय समय पर बीजेपी इसी तरह से उन इलाकों में जहां मुसलमान बसे हैं, माइनॉरिटीज बसे हैं, हम बुलडोजर चलाते रहेंगे। कितनी खतरनाक तुलना है दोस्तों। सबसे पहली बात, जो लोग जर्मनी या स्वीडन या उन तमाम यूरोपीय देशों में बसे हैं दूसरे देशों के आकर, उनकी सरकारों ने उन्हें बसाया है, नंबर एक। नंबर दो, वो लोग युद्ध से परेशान होकर दौड़कर भागकर वहां आए हैं। नंबर तीन, उनके देश की सरकारें उन पर निशाना साध रही हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के साथ जान बचाकर उन देशों में आए हैं और उन देशों ने उन्हें शरण दी है। मगर आप इसकी तुलना किससे कर रहे हैं? यहां जो लोग बसे हुए उनके साथ। कल जब जहांगीरपुरी में बुलडोजर चला, उसमें एक भी रोहिंग्या सामने उभर कर नहीं आया। जो लोग सामने उभर कर आए वो बांग्ला भाषी मुसलमान हो सकते थे, यानी कि जो लोग बंगाली में बोलने वाले मुसलमान हों। अब मैं बैजंत पांडा या बीजेपी से पूछना चाहता हूं, सबसे बड़ी बात, इनमें से आपके पास क्या प्रमाण था कि जिन जिन लोगों के आपने मकान गिराए वो रोहिंग्या थे या बांग्लादेशी थे? क्या प्रमाण है? मैं सीधा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। और अगर आपके पास प्रमाण नहीं है तो हो सकता है कि आपने उन लोगों के घर पर बुलडोजर चलाए जो पश्चिम बंगाल से आने वाले भारतीय मुसलमान बंगाली थे, या भारतीय मुसलमान थे, आपने उनके घरों में जो है बुलडोजर चलाए, किसके नाम पर? अवैध बांग्लादेशियों, रोहिंग्या के नाम पर, और जो आपका तमाम खेल चल रहा है। चलिए अवैध निर्माण की भी बात करते हैं। मैं पांडा साहब से पूछना चाहता हूं, 2024 और 2019 में, यानी कि 2019-20 में जब दिल्ली के चुनाव हुए थे, तब बीजेपी ने नारा दिया था कि जहां आपकी झुग्गी वहां आपका घर, अनरेगुलर कॉलोनीज, इरेगुलर कॉलोनीज को रेगुलराइज करने का आपने बाकायदा एक कानून जारी किया था और इसे आपने तोहफे के तौर पर पेश किया था। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से अवैध कॉलोनियों, झुग्गियों को गिराने के खिलाफ रही है, चाहे 2014 देख लो या 2019। अब क्या हो गया भाई साहब? और वो बात भूल जाइए, ये हिंदू की खबर देखिए। इस खबर के मुताबिक भाजपा के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उन्होंने एक पब्लिक लैंड पर कुछ अवैध निर्माण किया है और अदालत ने आदेश दिया था कि तमाम बिजली के कनेक्शन को हटाया जाए। कौन है आदेश गुप्ता? दिल्ली बीजेपी के तो अध्यक्ष हैं ही,
पश्चिमी पटेल नगर से पार्षद भी हैं और उन पर आरोप है अवैध निर्माण का। तो मैं पूछना चाहता हूं, इन पर कब बुलडोजर चलेगा पांडा साहब? बहुत ही खतरनाक कंपैरिजन कर रही है बीजेपी उन लोगों के साथ जिन्हें यूरोप में बसाया गया है और हो सकता है वहां पर वो लोग अफरा तफरी कर रहे हो, और उन लोगों के साथ जो भारत के नागरिक हैं मगर माइनॉरिटीज हैं। बहुत ही खतरनाक। और मैं आपको आप बतलाने वाला हूं एक एक करके कि कल इन्होंने कानून की किस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं। एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1957 और दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1957। ये दोनों जो हैं साफ तौर पर कहते हैं कि जब भी आप एक जगह पर अवैध निर्माण को हटाएंगे तो वहां बसे लोगों को आपको पहले से बताना चाहिए, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन देनी चाहिए कि हम आ रहे हैं आपकी संपत्ति को तोड़ने। आपको याद होगा एक बच्चा किस तरह से उसके बाप के जूस की दुकान को तोड़ दिया गया था और वहां से वो सिक्के बटोर रहा था, टेट्रा पैक बटोर रहा था। वो जो इन्होंने जूस का रेडी तोड़ दी थी उससे उसकी रोजी रोटी चलती होगी। अगर उसे पता होता कि आप लोग तोड़ने आ रहे हो तो वहां से वो अपना तमाम सामान हटा देता। कितनी ढेरों तस्वीरें सामने उभर कर आई थी कि एक औरत जो है वो बीन रही है, उसके आशियाने को आपने तोड़ दिया, वो बीन रही है अपने सारे सामान को कि किस किस को मैं बचा सकूं। अगर उसे पता होता कि आप लोग आ रहे हो उस सामान तोड़ने, उसका मकान तोड़ने, तो वो पहले से ही तमाम चीजों को हटा देती। तो साफ तौर पर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1957 आपने इसका उल्लंघन किया। और वो एक्ट क्या कहता है अंग्रेजी में पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Provided that no order of demolition shall be made unless the person has been given by means of a notice served in such a manner as the commissioner may think fit a reasonable opportunity of showing cause why such order shall not be made। यानी कि आपको पहले से बताना था उसे कि हम ऐसा करने वाले हैं। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। दूसरा ऑर्डर देखिए। Provided that no such order shall be made unless the owner or the person concerned has been given a reasonable opportunity to show cause why the order should not be made। ये दो कानून हैं 1957 के, इसमें साफ तौर पर लिखा है कि पहले उन्हें बताइए फिर बाद में तोड़िए। इन्होंने किसी को नहीं बताया। अब मैं आपको 2017 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला बताने वाला हूं दोस्तों। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सुदामा सिंह एंड अदर्स वर्सेस दीपक स्पोलिया एंड अदर्स। और इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जब आप एक जगह को यानी कि अवैध निर्माण को तोड़ेंगे तो पहले आपको उस जगह का सर्वे करना चाहिए, नंबर एक। नंबर दो, आप जिन लोगों को वहां से हटा रहे हैं, जिनके मकान तोड़ रहे हैं, उनका एक उचित जगह पर पुनर्वास कीजिए, रिहैबिलिटेट कीजिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2017 का। कल दिल्ली की एमसीडी ने, दिल्ली की बीजेपी की एमसीडी ने इसकी धज्जियां उड़ा दी। और आप जानते हैं जो सुप्रीम कोर्ट का 2017 का फैसला आया था वो दरअसल संयुक्त राष्ट्र के नियम कानूनों पर आधार था। वो कौन सा संयुक्त राष्ट्र का नियम कानून था? वो था यूएन स्पेशल रैपोर्टर्स बेसिक प्रिंसिपल्स एंड गाइडलाइंस ऑन डेवलपमेंट बेस्ड एविक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ये क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। Eviction should not result in individuals being rendered homeless or vulnerable to the violation of other human rights। यानी कि अगर आप किसी को हटा देते हैं तो वो बेघर नहीं हो जाना चाहिए और उसके मानवाधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो है जिस संयुक्त राष्ट्र के प्रावधानों पर आधारित था वो आदेश ये कहता है। फिर वो क्या कहते हैं? Prior to any decision to initiate an eviction, authorities must demonstrate that eviction is unavoidable and consistent with international human rights commitment protective of the general welfare। यानी कि अगर आप लोगों को हटा रहे हैं तो आपको यह प्रमाणित करना पड़ेगा कि हमारे पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। मगर अब मैं एक और चीज आपको बताने वाला हूं और इसके सामने भारतीय जनता पार्टी को कोई शब्द नहीं मिलने वाले हैं। सबसे पहला आंकड़ा, क्या आप जानते हैं पूरी दिल्ली में जो लोग रहते हैं
उनमें से सिर्फ 23.7% हैं जो प्लान्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं, यानी कि जिसकी योजना बनाई गई हो, सिर्फ 24%। बाकी जो 66% हैं, 66% हैं, वो अनप्लान्ड कॉलोनीज में रह रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, अब मैं आपको एक फहरिस्त दिखाने वाला हूं। क्या आप जानते हैं हमारे देश के दिल्ली के कई धन्ना सेठ, उनके फार्म हाउसेस जहां हैं, उनकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जहां हैं, वो भी अवैध निर्माण हैं। और पूरी लिस्ट मैं आपको सुनाने वाला हूं, धन्ना सेठों की हवेलियां, कोठियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, वो सब अवैध निर्माण हैं। ये खुद मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग वेलफेयर की लिस्ट है, ये मेरा ज्ञान नहीं है, सरकार की लिस्ट है। सैनिक फार्म्स, महिंद्रा एनक्लेव, अनंतराम डेयरी, डिफेंस सर्विस एनक्लेव, अनुपम गार्डन्स, खिड़की एक्सटेंशन कॉलोनी करियप्पा मार्ग, डिफेंस सर्विस एनक्लेव खानपुर, सैनिक फार्म्स वेस्टर्न एवेन्यू, फ्रीडम फाइटर्स एनक्लेव इग्नू रोड नेबसराय, फ्रीडम फाइटर्स कॉलोनी नेबसराय साउथ छतरपुर। उसी तरह से आप नीचे आए तो FFCC कॉलोनी नेबसराय, नेबसराय एक्सटेंशन एरिया दिल्ली 68। ये पूरी लिस्ट है दोस्तों आपके सामने, ये जो आप लिस्ट देख रहे हैं ना, तमाम जो धन्ना सेठ हैं, ये उनके फार्म हाउसेस हैं, उनकी बिल्डिंग्स हैं। मगर मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारी हिम्मत है इन पर बुलडोजर चलाने की? बोलो, दिखाओ हिम्मत। क्यों पांडा जी बोलती बंद? आदेश गुप्ता पर चलाओ बुलडोजर, वो तुम्हारी हिम्मत नहीं होगी, क्यों? और मैंने आपसे यह भी कहा था कि संविधान की कई धाराओं का उल्लंघन था जिस दिन यह दंगा हुआ था। मैं आपको बताता हूं कैसे। दोस्तों आपको याद होगा, भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जहांगीरपुरी की एक मस्जिद के सामने खड़े होकर कह रहा था, इस देश में रहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। आप जानते हैं कि यह साफ तौर पर संविधान की धारा 25 का, आर्टिकल 25 का उल्लंघन है। आर्टिकल 25 साफ तौर पर कहता है, जो आपके स्क्रीन्स पर है, कि अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपको अपने मजहब का पालन करने का अधिकार है और यह रक्षा आपको मिलती है, यह सुरक्षा आपको मिलती है आर्टिकल 25 में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब यह बीजेपी का नेता यह कह रहा था कि इस देश में रहना होगा तो जय श्री राम कहना होगा, तो वो संविधान की इस धारा का उल्लंघन कर रहा था। और यही नहीं, आर्टिकल 25 के बाद, अब 21 की बात करता हूं जिसका उल्लंघन किया गया है। आर्टिकल 21 के अंदर कानून आपको सुरक्षा देगा, आपके जान को की सुरक्षा करेगा और आपकी निजी आजादी की सुरक्षा करेगा। जब बीजेपी का नेता इस तरह से नारे लगाता है तो वहां पर बसे लोगों की जान को, जो सुरक्षा आर्टिकल 21 में है, उसका उल्लंघन नहीं हो रहा है। फिर मैं आपके सामने एक और संविधान की धारा लाना चाहता हूं, वो है आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कहता है कि इस देश में सब बराबर हैं, चाहे आप जिस भी धर्म, जाति, जेंडर, किसी से भी, कहीं से भी हों, आप इस देश में सब बराबर हैं। मगर उस दिन जो हो रहा था, क्या वो बराबरी की बात थी? बिल्कुल नहीं दोस्तों, उस दिन संविधान के अंदर जो बराबरी का अधिकार है उसे रौंदा जा रहा था। वो दिन दिल्ली पुलिस की नाकामी का दिन था कि आखिर वो तीसरी यात्रा कैसे निकल गई। उस तीसरी यात्रा के अंदर लोग हथियारों के साथ क्यों थे, क्योंकि पहली दो यात्राओं में तो हथियारों के साथ नहीं निकले थे, वो तो अपने आप चुपचाप निकल गई। उस तीसरी यात्रा में हथियार कहां से आए, भड़काऊ नारे क्यों लगाए गए बताइए? और जो लोग भड़काऊ नारे लगा रहे थे, जो इसके आयोजन करता थे, उन पर दिल्ली पुलिस ने क्या एक्शन लिया? इसलिए मैं चाहूंगा कि जो सवाल आज मैंने अपने इस कार्यक्रम में उठाए हैं, इन सवालों का जवाब बीजेपी दे और इसके समर्थक दें। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।